हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भटियारा स्टाइल वाइट मटन पुलाव। कहने के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बकरी ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने 600 ग्राम बड़े पीसेस मटन के लिए हैं। आप चाहें तो मटन के पीसेस को वेसल में भी गला सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ खड़े मसाले, दो तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और हरी इलायची, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है भरकर, और 1 बड़ा प्याज जिसको इस तरह से स्लाइस करके हाथों से चूर के ऐड कर लेना है आपने, 3 से 4 फीकी वाली हरी मिर्चें, नमक ऐड कर लेंगे मटन के हिसाब से, और दही ऐड किया था 2 बड़ा चम्मच। तो ये 1/4 कप से थोड़ा सा कम दही है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है और इसको मैंने बस अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो आप इसको 1 घंटा मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप भर कर बिल्कुल 1 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको कवर कर लूँगी मैं। 1 विसल हाई हीट पे लगाने के बाद सिमर पे 15 मिनट कुक किया था। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से उसको गला लें। मटन किसी का गलने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर उसका प्रेशर कम्प्लीटली जा चुका है तो मैंने इसको खोल लिया है। मटन को चेक कर लेते हैं। मटन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब इसमें से हम मटन अलग निकाल लेंगे और स्टॉक को मैंने अलग निकाल लिया था। तब तक हम पुलाव भी बघार लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है। अच्छे खुले और बड़े पतीले का इस्तेमाल करें ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर मैंने कम से कम 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची, ये 4 ही चीज़ें ऐड की थी। आप चाहें तो इलायची को थोड़ा सा चोट लगा के खोल के ऐड कर सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। हम ये बिल्कुल वाइट वाला भटियारा स्टाइल पुलाव बना रहे हैं, सूफियाना पुलाव, तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। बस ये इस कलर पर आ जाए जब, तो बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पुलाव को बघारने के टाइम ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्चें जितना आप तेज़ खाते हैं उस हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने ये 5 से 6 ली थी जिसको मिक्सर में मैंने मोटा मोटा क्रश किया है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर मटन मैंने निकाल लिया था बॉयल करके, जो अलग वो मैंने ऐड कर लिया है। फ्लेम मीडियम कर ले और 2 से 3 चम्मच यानी कि 1/4 कप के आसपास मैंने यहाँ पे दही यहाँ पर ऐड कर लिया है और इसको हम फ्लेम मीडियम करके थोड़ा सा भून लेंगे जब तक दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, थोड़ा सा मटन की भुनाई नहीं हो जाए और थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होता हुआ नहीं दिखाई देने लगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने स्टॉक जो निकाला था उसको मैंने मेजर कर लिया है। तो 1/2 ग्लास स्टॉक है ये और प्लस मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, तो टोटल 2 ग्लास पानी के आसपास ऐड किया है स्टॉक के साथ। 2 ग्लास मेरा चावल था 1.5 ग्लास और पानी 2, 2.25 ही आपने ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। नमक चावल के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि हमने मटन में पहले ही ऐड कर लिया था। हाई फ्लेम पर इसको हमने बॉयल कर लेना है सबसे पहले, तो चावल ऐड करने के पहले बस 3 से 4 मिनट में ये तेज़ी से बॉयल होने लगेगा। अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल को मैंने 1 घंटा वॉश करके भिगो लिया था। ये मैंने दावत का एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस इस्तेमाल किया है। ये बहुत खिले खिले और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप कोई भी दूसरे ब्रांड का लॉन्ग ग्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है और इसमें फिर से बॉयल आने लगा है। बस बॉयल आ जाए तो एक बार मिक्स कर ले। गैस का फ्लेम मीडियम करना है आपने, बहुत लो नहीं करेंगे, और इसको कवर करके 5 मिनट दम लगा ले ताकि पानी पूरा चावलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चावलों के अंदर पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। इससे चावल मॉइस्ट बनते हैं और टेस्ट बहुत निखर के आता है। और बहुत सारा खटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। इस पुलाव में ना कोई कलर डलेगा और ना ही मैंने कोई केवरा एसेंस का इस्तेमाल किया था, ना ही ऊपर से तली हुई प्याज ऐड की थी। ये बिल्कुल वाइट सूफियानी पुलाव है। कवर कर ले और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट दम कर लें। आप चाहें तो नीचे एक तवा रख सकते हैं, गरम तवे के ऊपर रख दें और उसको दम कर लें। दम करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया था और ऑफ़ करके 10 मिनट वैसे ही रहने दिया था। उसके बाद मैंने अभी खोला है। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि इसमें से थोड़ी सी भाप निकल जाए और चावल खिले खिले छुट्टे हो जाएँ इसमें। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ये। इसका टेस्ट तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही लाजवाब था। आप इसको कचुम्बर के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
एक एक दाना इसका खिला हुआ है और इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। और बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। बकरी ईद के गोश्त के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मटन की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने 600 ग्राम के लिए 500 ग्राम चावल इस्तेमाल किए थे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।